breadth of rectangle is double, how many times will the perimeter of the new rectangle be that of the original? What we'll do, let the length of a rectangle, length and breadth of rectangle be x and y. Okay? Perimeter ka formula kya hai? प्लस टू इंटू ब्रेथ. ओके, उसको कहना करेंगे टू एक्स प्लस वाई सेंटीमीटर. नाउ द न्यू लेंथ इज टू एक्स एंड द न्यू ब्रेथ इज टू वाई. डबल बोला है ना, तो न्यू लेंथ इज टू एक्स एंड न्यू ब्रेथ इज टू वाई. तो पेरिमीटर क्या हो जाएगा न्यू वाले का? टू एक्स, टू इंटू टू एक्स प्लस टू इंटू टू फोर एक्स प्लस ये वाला डबल आया. लुक, ये फोर एक्स प्लस वाई है और ये आपके था टू एक्स प्लस वाई. क्या है ये वन? क्या है? टू का डबल है. सो न्यू पेरिमीटर इज डबल्ड फर्स्ट. ओके, सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग को स्क्वायर दिया हुआ है. इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, हाउ मेनी टाइम्स इट्स पेरिमीटर विल बी दैट ऑफ ओरिजिन? तो लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर बी ए सेंटीमीटर. ओके, और जो न्यू होगा उसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट वाला जो है हमारा ए पे रहेगा फोर साइड पे, बट सेकेंड वाला जो ट्रिपल्ड है वो थ्री से मल्टीप्लाई होगा. ओके, सेकेंड क्वेश्चन सिमिलर है, यू डू ऑन योर ओन. लेट्स हैव द थर्ड क्वेश्चन. द फिगर ऑफ द प्ले ग्राउंड इज गिवन. फिगर है ओके, तो ये 15 दिया है, ये 10 है, 5. द लेंथ एंड द साइज आर गिवन, फाइंड द पेरीमीटर. वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर. ओके, अब हम लोग इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, और ये हम लोग हमारे इसके लिए कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, पी दे देते हैं. ओके, अब सॉल्यूशंस के हिसाब से ए पी क्या है हमारा? ए बी प्लस बी पी. ओके, ए बी प्लस सी डी, क्योंकि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सिमिलर है. ए बी इज गिवन एज 10, ई गिवन है 5. ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर ए पी हमारा. ओके, अभी पी ई, पीई के लिए क्या करेंगे? पी डी प्लस डी ई. मतलब बी सी ये वाला साइड ये सेम हो जाएगा 15 प्लस ये 15.
ए एफ भी दिया हुआ है 30। पेरीमीटर ऑफ द एलिप्स, पेरीमीटर चारों को प्लस कर देंगे, ए पी प्लस पी ई प्लस ई एफ प्लस ए 15 प्लस 30 प्लस 15 प्लस कितना हो गया 90 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ प्ले ग्राउंड इज 90 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन इज सिमिलर एज थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व ऑन योर ओन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 45। ओके, इसमें सब कुछ हम लोग को स्क्वायर के अकॉर्डिंग करना है, स्क्वायर्स के फॉर्मूले सारी चीजें स्क्वायर में। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग साइड 12। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 4 इंटू साइड 4 इंटू 12, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 सेंटीमीटर। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 102, इफ इट्स लेंथ इज 17, व्हाट इज द पेरिमीटर। तो पहले क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। हम लोग यहाँ पे एरिया दिया है 102, लेंथ लेंथ दी हुई है 17, ब्रेथ मालूम कर 102/17। तो यहाँ पे हम लोग को ब्रेथ आ जाएगा 6। अब फॉर्मूला लेंगे हम लोग पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन लो यार। थैंक यू।